अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे कि वो है कि स्टूडेंट लाइफ में कितने तरह के फेजेस आते हैं और एक स्टूडेंट को कितनी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं और उसको ज़िंदगी में कैसा होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। जो होते हैं तीन चार चीज़ें मैं इधर लिखूंगा जो हर स्टूडेंट में ज़रूरी होती है। बात समझ आ रही है आपको? एक चीज़ है जो है वो है कॉन्फिडेंस। क्या है मेहरान? क्या है कॉन्फिडेंस। दूसरा है क्रिएटिव, जी क्रिएटिव। तीसरी जो चीज़ है उसको क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है? अच्छा खुद अतमादी, ठीक है। एक जो तीसरी चीज़ है कि उसका ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? एम होना चाहिए। क्या एम का क्या मतलब है सर? मैं बताता हूँ, एम होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए उसको? हार्ड वर्क। क्या होना चाहिए? हार्ड वर्क, सख्त काम होना चाहिए। अच्छा बताता हूँ, सख्त काम नहीं इसका। पहली क्या चीज़ है? कॉन्फिडेंस। एक स्टूडेंट में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होता है खुद अतमादी। क्या होता है खुद अतमादी? क्या होता है किसी को पता है? बैठा बैठा बताएगा। नो सर। खुद अतमादी अपने आप के अंदर का जोश। अच्छा खुद अतमादी, खुद अतमादी अपने अंदर का, बस खत्म। खुद अतमादी पता किस? मैं बताता हूँ खुद अतमादी। कॉन्फिडेंस किसी भी मुकाम पे किसी भी ऑडियंस को, किसी क्लास में, किसी पब्लिक में कोई चीज़ किसी को बताना, वो क्या कहलाता है? किसी को कहते ना ये बंदा बहुत खुद अतमाद है, इसमें बहुत क्या है? कॉन्फिडेंस है। क्या है इसमें? कॉन्फिडेंस। और चौथी पांचवी चीज लिख देता हूँ, करैक्टर। क्या है स्टूडेंट का क्या होना चाहिए? करैक्टर। अच्छा कितनी चीजें होंगी हमारे पास? एक दो तीन चार और पांच। कॉन्फिडेंस की मैं बात करता हूँ, इस पर मैं दो तीन मसाले दूंगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पता चला किसी को कॉन्फिडेंस होता क्या है? क्या खुद अतमादी। कॉन्फिडेंस क्या है? खुद अतमादी। कोई खुद अतमादी की डेफिनेशन करेगा? नहीं हसनैन जी। क्या किसी मजलिस के सामने खड़े होकर अपनी बयानगी को? हाँ मतलब मजलिस, क्लास, जमात, कोई भी चीज़ हो, पब्लिक हो, आप किसी दफ्तर में काम करते हैं, अपनी किसी मैडम को, सर को या किसी भी बॉस को अपनी कोई बात बताना, वो क्या कहलाता है? उसको अगर कुछ बातें होती है ना, हो मैं नहीं बता सकता, मैं डर रहा हूँ, मैं कांप रहा हूँ, मैं इस तक ये बातें नहीं पहुँचा सकता, उसमें आपके पास क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस। अच्छा कॉन्फिडेंस है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी को अपनी कोई भी बात बताते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पब्लिक में आपने बात करनी है, किसी को बताना कि मेरे पास ये इलम है, मेरे पास ये नॉलेज है, या आप पोइट हैं, मुसन्नफ हैं या शायर हैं, किसी को भी बताना है आपने, ठीक है, किसको? किसी को भी। तो आप कैसे, अगर तो आप डायरेक्ट अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है उसको जाके बताएंगे, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं शायर हूँ, मेरे पास मुझे शेर भी आते हैं, मैं मुसन्नफ हूँ, मैं राइटर हूँ, मैं क्रिकेटर हूँ। अगर तो आप हैं, अगर आप नहीं हैं या हैं, अगर तो आप हैं क्या है? अगर कोई भी आपके अंदर स्किल्स है लेकिन आपको पहचाना नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें आप किस चीज़ की कमी है? खुद अतमादी। किस चीज़ की? खुद अतमादी। अच्छा खुद अतमादी पे मैं दो तीन मसाले दूंगा। एम की भी बात कर लेते हैं, हार्डवर्क। एम मकसद को कहते हैं। क्या मकसद को कहते हैं? सारी मैं लिख देता हूँ। हार्डवर्क कहते हैं मेहनत को। किसको? मेहनत को। और क्रिएटिव कहते हैं नई नई चीज़ें ईजाद करना, नई नई चीज़ें, नई नई चीज़ें ईजाद करना, ठीक है। और करैक्टर कहते हैं अखलाक को। क्या कहते हैं? इखलाक को। थोड़ा सा इधर हो जाइए, थोड़ा सा। इखलाक करैक्टर किसे कहते हैं? इखलाक को। अब देखना कॉन्फिडेंस, दो मैं तीन कहानियाँ सुनाऊंगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस पे। ठीक है सर। डस्टर, अच्छा मेरे पास ये पकड़ लो। एक दफ़ा ना एक जंगल में दो भाई गए, ठीक है। जो बड़ा भाई था उसकी उम्र थी 10 साल, छोटा भाई था उसकी उम्र थी 7 साल। बड़ा भाई कुएं में गिर गया किसी भी वजह से, ठीक है। छोटे भाई, अब पूरे जंगल में कोई बंदा नहीं है, अब बड़े भाई को कौन कुएं से निकालेगा? छोटा भाई निकालेगा ना, और कोई भी बंदा बशर उस जंगल में नहीं है। उसने जैसे तैसे करके अपने भाई को बाहर निकाल लिया, ठीक है, अपने भाई को बाहर निकाल लिया। और निकाल के वो अपने गांव में वापस जाते हैं।
और अपने गांव वालों को बताते हैं कि मेरा बड़ा भाई कुएं में गिर गया था और मेरे छोटे भाई ने उसको कहाँ से निकाल लिया, कुएं, हाँ कुएं में से निकाल लिया। तो गांव वाले ने पूछा, हाँ पागल है तू, कैसे छोटे भाई ने कैसे निकाल लिया, उसकी उम्र देखो, उसका वजन देखो, तुमसे वजन भी कम है, उम्र भी कम है, कैसे, किसी को पता है? कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, अगर तो उसके जहन में होता अतमाद ना होता कि मैं अपने बड़े भाई को यहाँ छोड़ के आज चला जाऊँगा, मैं इसको कुएं में से नहीं निकालूंगा, तो वो तो वापस चल जाएगा घर, ठीक है। उसके अंदर अतमाद नहीं है, किसी को भी कोई बात बतानी हो, किसी सर को बात बतानी हो, किसी टीचर को बात बतानी हो, किसी बॉस को, पब्लिक में, क्लास में, जमात में, या किसी भी हाल में तकरीर करनी है, आपने शेर सुनाना है या कलाम करना है, कोई भी मुखातब करना है किसी में, अपने आप में एतमाद। अब छोटे भाई के अंदर क्या था, खुद एतमादी थी कि मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, अपने भाई को निकाल के ले जाऊँगा, उसके अंदर क्या था, कॉन्फिडेंस था। अच्छा आपके अंदर, किसी के अंदर कोई कॉन्फिडेंस है कि आप कहें कि मैं ये बात किसी भी पब्लिक में, अगर आपके पास, आपके सामने हज़ार लोग बैठे हों और आपने हज़ार लोगों को एक बात बतानी है कि मैं एक नात खां हूँ, मैं फ़िलासफ़र हूँ, मैं शायर हूँ, या मैं स्पीच करता हूँ तकरीर, अफसरदा क्यों, बातें समझ आ रही है, परेशान नहीं होना, अगर कोई बात समझ ना लगे इधर ही छोड़ के चले जाना, ठीक है। इस अकेडमी में अगर आप आएँ तो कोई चीज़ें सीख के जाना, ठीक है। तो अगर आपने किसी को कोई बात बतानी, बता लेंगे आसानी से? यस सर। एक ही बताएगा और कोई नहीं बताएगा? यस सर। अच्छा मेरी बात सुनो, आप छोटे बच्चे ने अपने भाई, बड़े भाई को कैसे निकाला, एक चीज थी उसके जहन में, कौन सी? मैंने अपने भाई को निकालना। यस, मैंने अपने भाई को निकालना। और उस बात पे वो अड़ गया था, जिद पकड़ ली थी कि मैंने अपने, जो मर्जी हो जाए मैंने अपने बड़े भाई को निकाल के लेके जाना है। ये तीसरे चौथे नंबर पे बात थी, लेकिन मैंने पहले बात बता दिया, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अगर एक स्टूडेंट पे खुद एतमादी है ना, मैं तभी उसको स्टूडेंट कहूँगा। अगर वो डर डर के क्लास में आखिर पे बैठ जाएगा कि मैंने सवाल ही कोई नहीं पूछना, मैंने टीचर से सलाम भी नहीं लेनी, मैंने स्टूडेंट से भी मुखातिब नहीं करना, क्योंकि मेरा इनकी तबीयत ही नहीं मैच करती, मुझे इस टीचर की समझ ही नहीं आती, ठीक है। अगर तो आप में कॉन्फिडेंस है, देखिए अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, इधर मैंने पांच चीज़ें लिखी, इनमें से किसी बात की समझ, आप मुझे बताएं, इधर मैंने आपको खुली छुट्टी दी हुई है कि आप कोई भी चीज़ मुझसे पूछ सकते हैं कि मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं आई। हाँ जी, कॉन्फिडेंस कैसे आता है बंदे? हाँ मैं बताता हूँ कॉन्फिडेंस कैसे आता है, अभी तो समझ लेना कॉन्फिडेंस है क्या, आ जाएगा आस्ता आस्ता, एक मिनट बताता हूँ कॉन्फिडेंस आता कैसे है, ये बात थी आपका क्वेश्चन। तो एक मिनट, कॉन्फिडेंस पता चल जाए ना, कॉन्फिडेंस है क्या, फिर आ भी जाएगा। कॉन्फिडेंस क्या है, अब तुम बताओगे बच्चे, कॉन्फिडेंस क्या है, पता चला कुछ चीज़? अरे छोटे भाई ने बड़े भाई को निकाल लिया था, yes, उसके पास क्या था? कॉन्फिडेंस था, खुद एतमादी। क्या होती है खुद एतमादी? अब मैं बताता हूँ किस किस जगह पे खुद एतमादी आपने लगानी है। अगर तो आपने क्लास में, कहाँ पे? क्लास में कोई क्वेश्चन पूछना है, तब आपने क्या इस्तेमाल करना है? कॉन्फिडेंस। आपने कोई तकरीर करनी है, तब क्या इस्तेमाल करना है? आपने जमात में सर को कोई बात बतानी है, किसी सवाल का जवाब बताना है, आपके किस काम आएगा, कौन सा काम आएगा? आपने तकरीर करनी है, कौन सी चीज इस्तेमाल आएगी? अगर आपने कोई शायर है, कलाम पढ़ना है, तो क्या काम आएगा? यानी कि हर मकाम पे क्या चीज इस्तेमाल होगी? कॉन्फिडेंस। किसी को ना समझ लगी हो। अच्छा अब इसका क्वेश्चन था कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, कॉन्फिडेंस किसी को पता है कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? नो सर। किसी को नहीं पता, चलो मैं बताता हूँ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। अगर तो आप रोजाना किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपके अंदर क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। अगर आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े कर लें, अपने आप को मिरर के सामने, और कहें कि मैं हूँ बाबर, मेरा नाम क्या है? बाबर। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं बहादुरी से अपने इम्तिहान का मुकाबला करूंगा, मैं अपने उस्ताजा से सवाल पूछूंगा, मैं अपने काम में दिलचस्पी पैदा करूंगा, मैं अपना काम मेहनत से करूंगा, जो मर्जी हो, कोई भी तूफान, कोई भी मंजिल, कोई भी रुकावट मेरा सामने, कोई मुश्किल नहीं आ सकती, मैं हर मुश्किल का सामना करूंगा बहादुरी से, तो आप में क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। एक स्टेप। दूसरे स्टेप, आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह का कॉन्फिडेंस लेना, ठीक है, क्या पता होना चाहिए?
आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस मुकाम पे जाना है। आपने क्लास में कोई अभी कुछ स्टूडेंट होते हैं उनको सवाल सही आते हैं लेकिन वो क्लास में बताते नहीं हैं किसी को। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनके पास क्या नहीं है confidence. अगर तो उनके पास कॉन्फिडेंस होता तो वो आसानी से अपने टीचर को बता देते सर इसका जवाब ये है। yes, उनके पास क्या चीज़ की नहीं है? खुद एतमादी। अब आप में से किसी ने सोचा है जिंदगी में क्या बनना है? किसी ने? आप से आपने जिंदगी में एक एम डिसाइड कर लेना कि मैंने जिंदगी में ये बनना है। उस एम पे आपने कॉन्फिडेंस हो जाना कि मैंने ये करना है और बस मैंने करना है। उस पे जो मुश्किलात मुसीबतें तूफान बलाएं आएंगी मेरा वो कुछ भी बिगाड़ सकती। मैंने अपनी मंजिल पे जाना है, अपने ख्वाबों को पूरा करना है और पूरा करना है। ये इसके पास आपके पास क्या आएगा? कॉन्फिडेंस। अब कोई बताएगा कॉन्फिडेंस? बाबर कॉन्फिडेंस के बारे में बताओ। कोई बच्चा बताएगा इधर बैठे बैठे कॉन्फिडेंस का? आपको पता चला है कॉन्फिडेंस का? नहीं बात सुना है इधर आके आप बताओगे सुना है कॉन्फिडेंस जी बताओ। कॉन्फिडेंस किसी पब्लिक के सामने अपने आपके अंदर की बयानगी पेश करना, किसी पब्लिक को कोई बात समझाना कॉन्फिडेंस होता है। मतलब कोई भी बात पब्लिक को बताना क्या कहलाता है? खुद एतमादी। हाँ जी आप क्या? खुद एतमादी। एक मिनट इसका। हाँ जी खुद एतमादी क्या है? नहीं हाँ नहीं किसी मजलिस में बैठकर कि अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करना। अच्छा आपको पता है? नहीं खुद एतमादी पता है आपको? बताओ किसी मजलिस के सामने। हाँ हाँ कोई भी चीज को बयान करना, आप करना। अच्छा कोई मिसाल बता सकते हैं आप कॉन्फिडेंस पे खुद एतमादी पे? कोई मिसाल बतानी हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया था, मैंने क्लास में जाके ये, मैंने बॉस को कह दिया कि तू फलां मुझे आपकी समझ नहीं आती मुझे दोबारा समझाए। मैंने अपनी अच्छा अच्छा ठीक है अच्छा मेरी बात सुनो, कॉन्फिडेंस ये भी नहीं है वो मैं बताता हूँ। एक चीज होती है ओवर, क्या होती है? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर मैं बेतुका ओवर कॉन्फिडेंस मैं बहुत बड़ा मैं यहाँ से उसको क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। मैं किसी से डरता नहीं, तू बाहर आ मैं तुम्हें देख लूंगा। हाँ अच्छा खामोश मेरी सुने उसको क्या कहेंगे? ओवर कॉन्फिडेंस। मतलब आपने टीचर से कोई चीज़ सीखनी है ना, ऐसे नहीं सीखनी अदरा उस्ताद हमें समझा तो भाई ऐसे टीचर से नहीं पढ़ना है। उसको ये नहीं करना, उसके सामने आजज हुए कि ये मेरा उस्ताद है इसने मुझे कुछ समझाना है। अगर आप उसके सामने आजजी अपने उस्ताद के सामने आजजी से पेश नहीं आएंगे तो आप उससे कोई भी चीज़ सीख नहीं सकेंगे। अगर तो आपने अपने उस्ताद से कोई चीज़ सीखनी है तो आपके आपके अंदर क्या होना चाहिए? आजजी। वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो गुरूर नहीं आता, ईगो नहीं आती कि मैं तू चल मैंने समझा पैसे नहीं लेना इधर अकेडमी में बैठे पैसे नहीं देते चलो समझाए हमें ओवर कॉन्फिडेंस के बारे में कॉन्फिडेंस पढ़ाए। आपको पैसे देते हैं हज़ार हज़ार दो दो हज़ार पाँच हज़ार फीस देते हैं आप हमें समझाते हैं, ऐसा नहीं करना। इसलिए आप डिग्रियां तो ले जाएंगे लेकिन आपके पास इलम नहीं होगा। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना। अच्छा खुद एतमादी की समझ लग गई, अगले स्टेप पे चले मैंने पूछ लेना है कॉन्फिडेंस के बारे में पता चला है। अच्छा आपने पूछा था हाँ शाबाश आपने पूछा था कि कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, पता चला कैसे आएगा? प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आएगा? अपने जहन को रोजाना तैयार करें कि मैंने जिंदगी में ये करना है, जो मर्जी हो जाए मैंने ये करना है। मैंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने फ़िलासफ़र बनना है, मैंने शायर बनना है, मैंने फौजी बनना है, मैंने आर्मी का चीफ बनना है, मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, मैंने एक पब्लिक स्पीकर बनना है, मैंने डिज़ाइनर बनना है, मैंने अपना बिजनेस बुटीक का शुरू करना है। जो भी आपने शुरू करना है आज से उसका प्लान डिसाइड कर लें। आज से बात सुन लो, आज से अपने प्लान को डिसाइड कर लो और उस पे कॉन्फिडेंट हो जाओ कि मैंने ये हासिल करना है। ठीक है वो आपने अपना बिजनेस एक मिनट मैं आपसे पूछूंगा आखिर पे, अभी नहीं बोलना आपने। एक मेरी बात याद रखना, जब मैं बोल रहा हूँ तो आपने नहीं बोल नहीं 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 मैं बता दूंगा जब मैं बोल रहा हूँ तो आपने नहीं बोलना।
तो जब मैं कहूँगा को आप बोले तब आपने बोलना, अगर आप कहेंगे ना चल मास्टर तू भी बोल असी भी बोल दे, फिर भाई ओवर कॉन्फिडेंस है फिर क्या है ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना, आपने किस में रहना है, किस दायरे में, जी खुद एतमादी। कॉन्फिडेंस की समझ लग गई है? आखिर पे मैंने आखिर में मैंने पूछना है आपसे, ठीक है, और मैं बार बार कह रहा हूँ जब मैं बोलूंगा तब आप नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपने अपने एम को डिसाइड कर लेना है, अपने पहले तो अपने कॉन्फिडेंस को अपने रोज नेल डाउन करें कि मैंने ये बनना है, मैंने बनना है, मैंने बनना है, उसकी तस्वीरें करें, उसको दिल पे लाएं। एक मिनट बात सुन लो, मैंने इस एम पे जाना है, मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है, मैंने फौजी बनना है, मैंने फिलासफर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, वट एवर आपने जो कुछ भी बनना है, रोज़ उसकी प्रैक्टिस करें और अपने आप को वैसे फील करें कि आपने अगर डॉक्टर बनना है तो आपकी ड्रेसिंग डॉक्टर जैसी होनी चाहिए, आपको पता चले कि एक डॉक्टर बैठा है, ऐसे बेतुकियाँ बोंगियाँ नहीं मारनी चाहिए, हाँ उस दे नाल भी शरारता कर लो, उसके नाल भी शरारता करो, उसके सिर से सट मारो, उसके सिर से उसके नाल शरारता करो, ऐसा नहीं करना, आपने सुलझापन लाना है, संजीदा होना है, ठीक है, जिंदगी में क्या होना है, संजीदा होना। ये क्या है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस की समझ लग गई है। आगे है चीज क्रिएटिव, क्या है क्रिएटिव, स्टूडेंट को क्या होना चाहिए क्रिएटिव, कि नई नई चीजें याद करें, नई नई चीज़ें दरियाफ्त करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस मैं मैट्रिक में पढ़ता हूँ, मैंने न्यूटन के पहला कानून दूसरा कानून तीसरा कानून याद कर लिया, होता क्या है ये पता नहीं चला आपको, इस्तेमाल कहाँ होना है ये भी पता नहीं चला, आपने कूलम ला याद कर लिया, उसका फार्मूला याद कर लिया, उसको ये रटे लगा के अपनी किताबों को रख लिया, ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं पता ही नहीं चला। खुद इतमादी के बारे में पढ़ लिया, ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करना, फिर आप क्रिएटिव नहीं होंगे। क्रिएटिव होता है वो बंदा, क्रिएटिव होता है, ये देखो न्यूटन के कानून किसने दरियाफ किए, न्यूटन ने, किसने, न्यूटन ने, पाकिस्तान किसने बनाया, कैदे आलम, कैदे आलम, शायरे मशरक कौन है, इल्लामा इकबाल, देखिए उनके नाम से मंसूबे, उन्होंने क्रिएट किया ना कोई नई चीज, नई चीज क्रिएट की है ना, जैसे न्यूटन उठा, उसने तीन लाभ दे दिए, कैदे आलम ने मुल्क बना दिया, अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, शायर थे ना, शायर थे ना अल्लामा इकबाल, तो ऐसा कुछ नया क्रिएट करें कि आपको लोग जाने कि बाबर ने ये दुनिया में ये काम किया, अजीम काम किया, और आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप दुनिया में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कोई भी वेट एवर कोई जिंदगी में एम रखा है, मकसद रखा है, अपनी चीज को नया क्रिएट करना है, किसी को कॉपी नहीं करना, किसी को भी कॉपी नहीं करना, कि वो ऐसा करता मैं भी ऐसा करूं, इसने ये किया मैं भी ये करूं, वो ऐसा करेगा फिर मैं ऐसा करूंगा, आप यहां जाएंगे मैं वहां जाऊंगा, आपने ये किया भाई आपके पीछे लगे हुए, खुद का कोई काम नहीं कर रहा, इसलिए आपको क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं भाई क्रिएटिव है, देख तो लो कॉन्फिडेंस की तो बात हमने कर ली है, क्या है दूसरा, क्रिएट कि आपने नई चीज़ों को याद करना है, क्या करना है, फॉर एग्जांपल आप एक लफ्ज़ भी याद करते ना नया, जैसे पता नहीं बोंगिया किसने स्टार्ट कर दी, बोंगिया मारना, ऐसे चवले मारना, बेतुकी आते शुरू कर देना, ये क्या है, नहीं याद, बोंगिया ऐसे लफ्ज़ याद नहीं करने, लेकिन आपने कोई नया याद करना है, ऐसा बिजनेस लिया है जो पहले कभी ना शुरू हुआ, ऐसा कुछ बन जाए जो आपके रिश्तेदारों में अपने गाँव में मोहल्ले में कोई बंदा ना बन सका, समझ आ रही है, ऐसा कुछ बनना है जो पहले कोई ना बना हो, उसको क्या कहेंगे, क्रिएटिव, नई नई आजाद करना, बाबर समझ आ गया, यहाँ क्रिएटिव की, यहाँ से आपकी मेहनत की इब्तिदा होगी, यहाँ से आपकी मंजिल शुरुआत होगी, यहाँ से आपका मकसद आपका ख्वाब आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगा जब आप अपनी मंजिल को डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, जब आप अपनी मंजिल को डिसाइड कर लेंगे, ये बाकी तीन चीज़ें रह गई, ये इस पे बात हल्की हल्की करूँगा और मैं आपसे पूछूंगा ज़रूर, क्योंकि आपने इतनी चीज़ें मुझसे सीखी हैं, ये आपने कल को लिख के लानी है, पांचों चीज़ें, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिव, ये क्या है, करैक्टर, करैक्टर, करैक्टर क्या होता है, अखलाक, अखलाक, मैंने इससे कैसे बात करनी है,
मैंने अपने उस्ताजा से कैसे बात करनी, मैंने अपने माँ बाप से कैसे बात करनी, मैंने अपने छोटे भाई को कैसे बात, मैंने अपने खाला फूफी चाचू चाची से बात कैसे करनी है, ये क्या होता है? इखलाक। ये अखलाक होता है कि हमने उठना बैठना कैसे, हमने लोगों से बातें कैसे करनी है, ये क्या है? अगर आप स्टूडेंट बन गए, FSC कर ली, मेडिकल, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, आपके अंदर अखलाक ना आया, लोगों के साथ बात कैसे करनी है, लोगों को बुलाना कैसे है, लोगों की बात को सुनना कैसे है, तो आपके अंदर क्या है फिर? आप अखलाक क्या सीखा है अपने अखलाक में? तो अपने अखलाक को, करैक्टर क्या है? करैक्टर को बिल्ड करना, किसको? ये कौन सी चीज़ है? तीसरी, पहली कौन सी थी? कॉन्फिडेंस। सेकंड कौन सी? क्रिएटिव। दिमाग को क्या होना चाहिए? क्रिएटिव। और तीसरी कौन सी चीज़ है? करैक्टर। कौन सी? ये तीनों बात समझ लग गई है। चौथा है जिद। अच्छा, करैक्टर की किसको समझ लगी? मुझे। क्या? इखलाक। कि हाँ बिल्कुल, बात कैसे करनी है, बड़ों का कहना कैसे मानना है, छोटों से बात कैसे करनी है, माँ बाप से, उस्ताजा से, बहन भाइयों से बात कैसे करनी है, ये नीचे रख दो। इनसे कैसे रवैया कैसे रखना है, माशरे में कैसे रवैया रखना है, और लोगों से, अननोन लोगों से बात कैसे करनी है, ये क्या है? अखलाक। समझ आती है? नेक्स्ट है मकसद। ज़िंदगी में अपना कोई मकसद डिफाइन कर लेना, ज़िंदगी में बनना क्या है, ज़िंदगी में किस मकाम पे, किस मंजिल पे, किस मर्तबे पे, किस वकार पे आपने ज़िंदगी में खुद को लेके जाना है, वो क्या है आपका? मकसद, एम। आपने अपनी ज़िंदगी में, अभी आपने बताना नहीं, जब मैं आपने पूछूंगा ना तब आपने बताना कि ज़िंदगी में आपने क्या क्या एम रखे हुए हैं, कि आपने ज़िंदगी में क्या बनना है। सबने रखे हुए हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई मकसद ही ना डिफाइन किया हो कि मैं जिधर जाऊंगा, जैसे इधर को हवा उड़ी उधर चला जाऊंगा, इधर को हवा उड़ी इधर आ जाऊंगा, जिधर को बस अंधेरी चली आंधी आई उस तरफ उड़ के चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या होना चाहिए आपके पास? मकसद। मकसद, मेहनत। मेहनत, ये देखा, मीम से मकसद और मीम से मेहनत। बेसिकली मकसद उसी के पास होता है जो क्या करता है, मेहनत, और मेहनत वही करता है जिसके पास क्या होता है, मकसद। यानी कि मकसद और मेहनत में मीम जो है वो एक ही मीम है। मकसद वही रखता है जो क्या करता है, मेहनत वो करता है जिसके पास क्या हो, मकसद वही रखता है जो क्या करता है, मेहनत। मकसद किसके पास होता है जो क्या करता है, मेहनत। मेहनत क्या होती है कि रोज़ का काम रोज़ करना, आज का होमवर्क मिला है आज ही करना, जो मर्जी हो जाए, कल चाहे इतवार है, सोमवार है, 5-6-10 छुट्टियां लगातार आ गई हैं, लेकिन आपने आज का काम आज ही करना, कल पे नहीं छोड़ना, ये क्या है? मेहनत। आज का काम आज ही करना और रोज़ाना ही काम करना, ये क्या चीज़ है आपकी? मेहनत। और उस पर लगे रहना कि मैंने ये चीज़ करना है। ये 5 चीज़ें मैंने एक स्टूडेंट की लाइफ की चीज़ें बताई हैं कि उसमें ये 5 चीज़ें कूट कूट के भरी होनी चाहिए ताकि वो ज़िंदगी में अपना किसी मंजिल पे पहुंच सके। भाई मकसद नहीं रखेंगे, मंजिल कौन सी होगी? ख्वाब नहीं देखा। मेहनत नहीं करेंगे, मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। कॉन्फिडेंस नहीं होगा, मंजिल पे नहीं पहुंच सके। क्रिएटिव नहीं होंगे, नई चीज़ें मकसद पे नहीं पहुंच सकेंगे। करैक्टर नहीं होगा, मकसद पे नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा बाकी नेक्स्ट बात होगी। यहाँ तक, कहाँ तक? यहाँ तक। कॉन्फिडेंस क्या होता है बच्चा बताएगा? कॉन्फिडेंस, बात समझ लगी है? हाँ, अपनी बात को पहचाना क्या है? कॉन्फिडेंस। अच्छा, आप बताएंगे क्रिएटिव, क्रिएटिविटी क्या होती है? स्टूडेंट की क्रिएटिविटी क्या होनी चाहिए? वो नई नई चीज़ें याद करें। और करैक्टर आपको पता है अखलाक क्या होता है? हाँ, अदब से बात करना, बड़ों से अदब से बात करनी चाहिए। हाँ, देखो अब बड़ों से ऐसी नहीं बात करनी। अगर आपने मामा से बात करनी है, अम्मी चल खाना ले, ऐसे बात नहीं करनी बड़ों से। बड़े भाई को ऐसे नहीं करना, इधर आया पानी ग्लास लेके, भाई ऐसे नहीं करना किसी के साथ, किसी के साथ ऐसा नहीं करना, ना बड़े भाई से, ना मम्मा से, ना पापा से, ना छोटे भाई से। अखलाक को प्रायोरिटी देनी है। जिसके पास अखलाक होगा वही मंजिल पे जाएगा, वही, और मंजिल पे वही जाएगा जिसके पास क्या होगा? अखलाक।
अच्छा अखलाक की बात कर रहे थे भाई, इधर सारा लेक्चर हो गया दरम्यान में। अस्सलाम वालेकुम भाई, ऐसा भी नहीं करना आपने। yes, ये बात नोट कर लें, जब भी क्लास हो रही होगी ना, अगर आप अगर आप क्लास हो रही हो ना, तो आप आखिर पे आए तो आपने ऐसा नहीं करना, ओहो टीचर जी अस्सलाम वालेकुम, उसको जबान ही डाल लेना टीचर को जाके। नहीं, आपने उधर चुपके से आना, चुपके से बैठ जाना है, इधर भी यहाँ इस कमरे में खामोशी से आना है और खामोशी से बैठ जाना, बताने की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, पता चल जाएगा कौन बैठा हुआ कौन नहीं बैठा हुआ। हाँ जी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, करैक्टर, एम, हार्डवर्क। अच्छा, इस पे किस पे बात कर रहे थे हम? अखलाक पे। अब मैं एक एक मिसाल दूंगा, आपने हंसना भी उस पे, मजाया मिसाल होगी। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ये भी नहीं, एतमाद ऐसा नहीं होना चाहिए अगले को पता चल जाए तो आ सही तू तू मैं तेरों देख लाँगा तू वड्डा बदमाश बनना ना, एक करी ये कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। और दूसरा क्रिएटिव ये भी नहीं होना चाहिए कि नहीं नहीं अपने पास से ही गलत चीज़ें लेके आ रहा, खामोश हो जाओ अपने पास से ही, ठीक है, ऐसा भी क्रिएटिव नहीं होना चाहिए। जैसा होना चाहिए वो मैंने आपको पहले बता दिया है, और करैक्टर अखलाक का भी बता दिया कि अपने माँ बाप से तमीज़ से बात करिए, मामू से, चाची से, ताई से, अगर कोई उन्होंने काम आपको असाइन कर दिया है, अगर आपको कोई काम बता दिया कि ये कर लें बच्चा तो कर लें काम, तो उसमें आपका नुकसान ही, उसमें आपका क्या है, यहाँ आपको पढ़ने बैठ, यहाँ आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं तो पढ़ के जाएँ, दो लफ्ज़ सीख के जाएँ, यहाँ पे आके हंस मुख के ही वाह करके घर चले जाना है तो आप सीख के नहीं जाए, ठीक है, फर्निश करें रोज़ ब रोज़ अपने करैक्टर, एम, मकसद, मकसद ज़िंदगी में आपने अपना मकसद ज़रूर असाइन करना, नीचे रखो अपने ज़िंदगी में ज़रूर करना। हार्डवर्क, मेहनत लाजमी करनी है, मेहनत, अगर आप कहें कि मैं मेहनत नहीं करता, मैं बस ऐसे ही भोंकियाँ मार के रोज़ का काम रोज़ाना नहीं करूँगा, जो मर्ज़ी हो जाए मैंने पढ़ना ही नहीं, लफ्ज़ जो मेरी किस्मत में लिखा वो मुझको मिलना है, तो आप यकीनन ज़िंदगी में फ़ेल हो जाएंगे, आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे, अपने मकाम तक, ज़िंदगी तो गुजर जाएगी भाई, ज़िंदगी तो सबकी गुजर जाएगी, जिसने ज़िंदगी में कुछ बनाया उसकी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी, जिसने बेतुकी में ज़िंदगी गुजारी उसकी भी ज़िंदगी गुजर जाएगी। yes, sir. तो आपने ज़िंदगी में लाजमी क्या लाना है, मकसद। आगे हम कल की क्लास में आपसे पूछेंगे कि आपने इन चीज़ों से क्या सीखा और मकसद क्या है। यहाँ तक आपकी कोई बात समझ आई है? नहीं, ये कल या नेक्स्ट क्लास होगी, यहाँ तक पाँच